दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पांचवी किस्त जनरेट कर चुकी है। आइए जान लेते हैं कि सरकार किसके खाते में पांचवी किस्त जनरेट कर चुकी है और किसके खाते में अभी नहीं जनरेट हुआ है। तो जानने के लिए यहाँ से तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र के यहाँ से ओपन कर लीजिए। देखिए, क्रोम ब्राउज़र को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आएंगे सर्च बॉक्स में, टाइप करेंगे pmkisan.gov.in, यहाँ से सर्च कर देंगे। उसके बाद पीएम किसान का पेज इस तरह ओपन जाएगा। यहाँ से आएंगे, थ्री डॉट पर ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर आके इस पेज को ओपन कर लेंगे। देखिए, हमारा यह पेज डेस्कटॉप साइड में ओपन हो गया। यहाँ से आएंगे, देखिए सबसे पहला पीएम किसान है। यहाँ से आएंगे, पीएम किसान पर क्लिक करेंगे तो किसान पोर्टल का हमारा वो होम पेज उसके बाद ओपन हो जाएगा। अभी कुछ समय लग रहे हैं, नेट हमारा थोड़ा स्लो है। देखिए, पीएम किसान का होम पेज अभी ओपन हो रहा है। देखिए, होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ से देखिए किस पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसका पेज ओपन हो गया। यहाँ से आएंगे, देखिए एक ऑप्शन है फार्मर कॉर्नर, फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए बेनिफिशरी स्टेटस करके है, इस पर क्लिक करेंगे बेनिफिशरी स्टेटस, तो एक दूसरा पेज ओपन होगा। देखिए बेनिफिशरी स्टेटस का एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ देखिए, आप तीन तरहों से आप चेक कर सकते हैं किसके खाते में पैसा आया है या आ रहा है या जनरेट हो चुका है। देखिए, एक आधार नंबर के द्वारा चेक कर सकते हैं, एक अकाउंट नंबर, एक मोबाइल नंबर। तो यहाँ मोबाइल नंबर के थ्रू चेक करेंगे कि पांचवी किस किसके किसके खाते में जनरेट हो चुकी है। तो हम तो मोबाइल नंबर के थ्रू आपको चेक करके बता दे रहे हैं। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, गेट डाटा पर क्लिक करिए, देख लीजिए हमने एक नया पेज ओपन हो गया, नया पेज ओपन हो गया जिसमें देखिए चार या पांचवी किस्त जनरेट हो चुकी है। देखिए, एफटीओ फंड ट्रांसफर इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग, फंड ट्रांसफर जनरेट हो चुका है, अभी खाते में आने हुआ खाते में आने के लिए पेमेंट पेंडिंग में है। एक से दो दिन के अंदर आपके खाते में यह पेमेंट आ जाएगी। तो देखिए, पांचवी किस्त आपके खाते में जल्द से जल्द भेज दी जाएगी। चौथ पांचवी किस्त जब आपके खाते में पहुंचेगी तो जैसे फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिखा है और क्रेडिट डेट इतना, यूटीआर नंबर इतना लिख करके लिखा है, तो ऐसे यहाँ क्रेडिट डेट, यूटीआर नंबर और क्रेडिट अमाउंट लिख के आ जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिएगा आपके खाते में अमाउंट पहुँच चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आपने भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।